नमस्कार, मैं हूं कोमल बड़ूदेकर और स्वागत है आपका लोकमत न्यूज डॉट इन में। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। एक बार फिर सामने आया सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मामला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु की झूठी खबर व्हाट्सएप पर हुई वायरल। सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 25 लोगों से की पूछताछ। झारखंड से भी हुई 4 गिरफ्तारी। खुफिया एजेंसी को मिली बड़ी सफलता, अमृतसर से पकड़ा आईएसआई एजेंट। सामने आया मेहुल चोकसी का एक और घोटाला, कर्नाटक के निजी बैंक ने आरबीआई को दी जानकारी। कर्नाटक जागृति यात्रा के तहत अमित शाह 30 और 31 मार्च को मैसूर, चामराजनगर, मांड्या और रामानगर जिलों का करेंगे दौरा। आज जाएंगे पुराने मैसूर। 11 और 12 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई जाएगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एम करुणानिधि से कर सकती है मुलाकात। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च की महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 181 सखी टोल फ्री योजना। दिल्ली एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम फेल होने की वजह से गुम हो गए हजारों यात्रियों के लगेज। रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण आईसीआईसीआई बैंक पर लगाया 59 करोड़ रुपए का जुर्माना। पपुआ न्यू गिनी के न्यू ब्रिटेन में भूकंप, रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई 6.9 की तीव्रता। जान माल के नुकसान की खबर नहीं। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत न्यूज डॉट इन के साथ।